तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लोहाघाट मार्केट में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू आरा ब्लॉग्स। तो गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसा कि आज आपको दिख रहा है, हम मॉर्निंग पर ही रेडी हुए हैं, क्योंकि गाइस आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी को। तो आज ना काफ़ी 3-3.5 महीने हो गया, मार्च में आ गए थे हम लोग, तो तब से आज जा रहे हैं। तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है सबसे मिलने की, तो बहुत मज़ा आ रहा है, खुश हो रहे हैं हम लोग, बहुत खुश है। आ रहा हूँ तो बहुत एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए, खेलूंगा, मस्ती करूंगा, क्योंकि इसकी यहाँ समर वैकेशन स्टार्ट हो गई है, जो कि यहाँ 10-12 दिन की पड़ती हैं। तो आज है संडे और आज है 18 जून, तो आज इसकी आज से इसकी समर वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो इसका 3 जुलाई को स्कूल खुलेगा। तो फिर हम लोग 8-10 दिन के लिए जा रहे हैं हल्द्वानी में। तो बाकी काम वगैरह सारा निपटा दिया है और ये लोग तो चले गए बाहर को, मैं भी ताला लगाती हूँ और चलते हैं हम लोग। और मौसम भी आज ना थोड़ा सा ख़राब है, अब देखो क्या होता है। तो फिर चलते हैं और आप लोग भी ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस ये रहा आरव, सामान वामान सब रख के आ गया है। आरव कैसा लग रहा है? काफ़ी टाइम बाद जा रहे हो ना आज? चलो ठीक है, फिर चलो चलो ताला लो बेटा। तो गाइस फिर चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाऊंगी मैं अपना पूरा सफ़र कैसा रहा। तो फिर हम लोग चलते हैं और आप लोग ब्लॉग में बने रहना। गुंडा माता मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पर ना बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं तो सब लोग इधर उधर जा रहे हैं। लोहाघाट मार्केट में और आरव को तो एक नींद भी आ गई थी एक बार, है जो छतों में लगाओगे छतों में पूरा देवदार का ही पेड़। तो ऐसे यहाँ पर पेट्रोल पंप है ना, तो हम लोगों ने यहाँ से तेल वगैरह डलवाया और ये चंपावत छतार जगह है अभी, तो हम लोग चंपावत पहुँचने वाले हैं। आरव आओ। पावर मार्केट देखा रहा, याद आया कुछ यहाँ से देख के? चलो आ रहा हूँ देते चलो। तो गाइस हम चंपावत पहुँच गए और यहाँ पे ना गुलजी महाराज जी का जो मूल स्थान है वो चंपावत में ही है, और तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। फिर यहीं से गुलजू, घोड़ा खाल और चितई मंदिर और जगह। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं और आ रहा हूँ गया बाहर, उसको हो रही है थोड़ा सा वोमिटिंग, बारिश हो रही है बेटा, भीग जाओगे। ये देख नदी से गया रास्ता। तो बढ़िया तो मौसम हो रहा है, ठंडी हवा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं खटीमा और इसने कुछ नहीं खाया है, तो ये यहाँ पर बैठा हुआ है कि हमने बोला कि थोड़ा सा जूस पी ले। और इतनी गर्मी हो रही है ना वहाँ पे, इतना अच्छा हो रहा था और यहाँ पे इतनी गर्मी, हमारी शकल जैसी हो गई है, तो ऐसे आंखें भी अजीब सी हो गई है ना, बहुत थकान सी लगी है, सफ़र बहुत लंबा रहता है ना और यहाँ को ना गर्मी भी हो रही है। आरव चलो पंखे के नीचे बैठ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ नानक मत्ता में, यहाँ पर गुरुद्वारा है और आज ना यहाँ पता नहीं कुछ है शायद, पता नहीं, बहुत भीड़ भी लगी है, तो हमने गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी, अब चलते हैं। और धूप भी बहुत तेज हो रही है, तो गाइस भीड़ भी बहुत है और गर्मी हो रही है ना। फिर तो आपने कुछ खाया नहीं है ना, गर्मी इतनी है बेटा, ठंडे वाले पानी में बर्फ डाल दो। हल्द्वानी पहुंच गया, अब क्या करोगे घर जाके? पहले ये पराठा बनाएंगे, ये खिलाते रहेंगे। चुप रहो, अभी से इतनी जल्दी धूप में कौन आता है बेटा बाहर, कुछ खाओगे पहले। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और ना थकान भी बहुत लग गई है। आरव चले गया पहले, आगे आगे वो गया।